अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रोवाल्ट पीके कंपनी के ज़ियोनिक सोलर पैनल के बारे में बताऊंगा। बहुत से दोस्तों की ये डिमांड थी कि सर ज़ियोनिक सोलर पैनल पर भी एक वीडियो बना दें, तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं दोस्तों के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ियोनिक सोलर पैनल हमें कितने वोल्ट और कितने अम्पेयर प्रोवाइड करता है, आया ये कंपनी जितने अम्पेयर और वोल्ट क्लेम करती है, क्या ज़ियोनिक सोलर पैनल हमें इतने वोल्ट और अम्पेयर आउटपुट में देता भी है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसे मुकम्मल टेस्ट करेंगे और साथ में इस सोलर पैनल की अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इस सोलर पैनल की वारंटी के बारे में जानेंगे और इस सोलर पैनल की बिल्ड क्वालिटी को भी टेस्ट करेंगे और एंड में इस सोलर पैनल की प्राइस के बारे में भी जानेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त हमारे पास जो सोलर पैनल मौजूद है वो ग्रोवाल्ट.पीके कंपनी का ज़ियोनिक सोलर पैनल 450 वाट में मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों इस सोलर पैनल की अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही दोस्तों इसके बॉक्स में से आपको एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, जो कि ये जाहिर करता है कि इस सोलर पैनल की 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी है और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि ज़ियोनिक सोलर पैनल सिंगल बॉक्स की पैकिंग में आता है और हर बॉक्स में उसका वारंटी कार्ड अलग से मौजूद होता है, जो कि उसकी वारंटी क्लेम कराने में मददगार साबित होता है। बॉक्स को ओपन कर ही लिया है तो चलें दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी टेस्ट कर लिया जाए। गिराएं इसे। जैसे कि दोस्तों आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इसको एक खास एंगल से गिराने पर यह सोलर पैनल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। इसे घर पर आप बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, इसे एक खास एंगल से गिराने पर इसका शीशा नहीं टूटता। ये ना हो कि आप इसे गलत एंगल से गिरा बैठे और आपका सोलर पैनल का नुकसान हो जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको इस पैनल के शीशे के अंदर ही ज़ियोनिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और इसका बार कोड भी देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों इसकी बैक साइड की बात भी कर ली जाए। यहाँ पर दोस्तों इसकी बैक साइड पर आपको एक फ्रेम में एक अलग से स्पॉट देखने को मिल जाएगी, जो कि इस सोलर पैनल के फ्रेम की बिल्ड क्वालिटी को मजबूत बनाती है। चलिए दोस्तों इस सोलर पैनल के अम्पेयर और इसके वोल्टेज को मुकम्मली टेस्ट कर लिया जाए। जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ज़ियोनिक का 450 वाट का सोलर पैनल 10.16 अम्पेयर दे रहा है। 10.16 अम्पेयर, 10.8 अम्पेयर और 10.25 से 26 अम्पेयर हमें यहाँ पर ज़ियोनिक का सोलर पैनल अपनी आउटपुट दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दोस्तों देख सकते हैं कि हमने किसी भी जगह पर डबल तार को डबल नहीं किया। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि तार को डबल करके अम्पेयर उसके शो करवा देते हैं, जिसकी वजह से उस सोलर पैनल के अम्पेयर बढ़ जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमारे क्लंप मीटर के अंदर से सिंगल वायर क्रॉस हो रही है। चलिए दोस्तों इस सोलर पैनल के अब वोल्टेज को भी टेस्ट कर लिया जाए। इस सोलर पैनल के वोल्टेज की बात की जाए तो ये ज़ियोनिक का सोलर पैनल हमें 47.7 वोल्ट अपनी आउटपुट दे रहा है। इसके साथ दोस्तों मैं इसकी डाटा शीट को भी ऐड कर देता हूं कि इसकी डाटा शीट में आपको कितने वोल्ट और कितने अम्पेयर कंपनी क्लेम कर रही है। इस सोलर पैनल की प्राइस के बारे में बात की जाए तो दोस्तों 67 से 68 रुपए पर वाट की प्राइस में ये सोलर पैनल आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये प्राइस उसके 3 दिन के अंदर वैलिड है। अगर दोस्तों ये सोलर पैनल आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके, यानी कि व्हाट्सएप करके, ओनली व्हाट्सएप करके ये सोलर पैनल आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। इसी के साथ अलीउन खान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।